गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर हो रही नमाज को लेकर विवाद अब भी जारी है। एक तरफ हिंदू संगठन इसका विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन हिंदू और मुस्लिम संगठनों के साथ बैठकें कर धार्मिक उन्माद पर अंकुश लगाने की कोशिशों में जुटा है। बुधवार को भी हिंदू संगठनों के साथ गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर संदीप खरवार, कार्यकारी जिला उपायुक्त चंद्रशेखर खरे समेत जिला प्रशासन के दर्जनों अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में घंटों बैठक की और धार्मिक सौहार्द बनाने की अपील की, लेकिन जिला प्रशासन को कोई खास कामयाबी मिलती नहीं दिखी। वहीं जिला प्रशासन ने निगम और हुडा से नमाज पढ़ने के लिए जगह चिन्हित करने को कहा। कार्यकारी जिला उपायुक्त की माने तो रमजान शुरू होने वाले हैं और ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो इसको लेकर प्रशासन तैयार है।